आपका 20 के आसपास, 15 से 20 मई के आसपास आपकी परीक्षाओं को प्रारंभ करने का मन में विचार है, और इसी तरीके से ये हम लोगों ने देखा है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें प्रक्रिया होती है कि बाहर से बुलाते हैं, समय लगता है एक्सपर्ट को। अगर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपतिगण समझें तो जो बाहरी एक्सपर्ट की जगह पर जो आप महाविद्यालयों में ही प्रैक्टिकल करा लें और लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पर पहुंच जाएं, ये एक अच्छा प्रक्रिया हो सकती है। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि हमारा सत्र नियमित रहे। बड़े मुश्किल से सत्र को हमने नियमित किया है, ये सत्र हमारा अनियमित ना होने पाए इसके लिए सारी प्रयत्न हमारे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम परीक्षाएं लें और जून में ही हमारा रिजल्ट निकल जावे और जुलाई में हमारे प्रवेश प्रारंभ हो जाए। ये एक मन मस्तिष्क में है, क्योंकि हमारा प्लानिंग जो इंटर क्लासेस में के रिजल्ट हैं उनको जून तक निकाल देने का है। तो ये दोनों जो हमारा प्रवेश परीक्षाएं हों, तो एक प्रक्रिया है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लेते हैं, कुछ लोग आधार मानते हैं उसको, इंटर क्लासेस की परीक्षाओं को। तो आप ये विश्वविद्यालय के अपने जो नियम उपनियम है उसके अनुसार आपको काम करना है। ये माननीय कुलपति तय करेंगे कि वो जो एडमिशन है, लेकिन वो आप परीक्षा के माध्यम से करेंगे, इंट्रेंस परीक्षा के माध्यम से करेंगे, या इंटर को आप आधार मान के करेंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता एक ही है कि परीक्षा जल्दी, अगर इंट्रेंस परीक्षा है तो जल्दी समाप्त हो, और प्रवेश की प्रक्रिया हर हालत में जुलाई में ही हो या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक समाप्त हो जानी चाहिए। इसलिए इस प्रकार की बातें आ रही हैं। बीच में प्रश्न आएगा हमारी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, और भविष्य में हमको सत्र नियमित करना होगा, तो तमाम जैसे शीतकालीन अवकाश है।